हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम टू राम रूप शर्मा यूट्यूब चैनल। यार तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर अंडर 20,000 रैंक लाने के लिए कितना स्कोर सेफ रहेगा, यानी कि सेफ स्कोर क्या रहेगा अंडर 20,000, अंडर 15,000, अंडर 10,000, अंडर 5,000 रैंक के लिए। तो यार देखो, इसके लिए पहले हमें थोड़ा सा एजम्पशन करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये, मान लीजिए अप्रॉक्सिमेटली 10 लाख कैंडिडेट आपके अपियर होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में 10 लाख बच्चे अपियर होते हैं। उस हिसाब से मैंने डेटा कैलकुलेट करा है, परसेंटाइल भी कैलकुलेट करी है, और कितना स्कोर जो है बच्चों के लिए एनफ रहेगा एक अंडर सर्टेन कैटेगरी बोल सकते हैं या फिर सर्टेन रैंक के रेंज में आने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए पूरा डेटा लेकर आया हूं, ध्यान से देखिएगा। और ये पूरा कैलकुलेटेड डेटा है, अप्रॉक्सिमेशन इसमें नहीं है, कैलकुलेटेड है। अगर 10 लाख बच्चे अपियर करते हैं तो कैलकुलेट कर इतना ही सिनेरियो आपका 5-10 नंबर ऊपर नीचे जाएगा, ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं आने वाला है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक की, फिर हम बात करते हैं मार्क्स की। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आपको अंडर 1000 रैंक चाहिए, यानी कि टॉप 1% में आना है, यानी कि टॉप 1% में आना है, तो आप लोगों को 240 से 270 नंबर के बीच आपको स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 300, आपको पता है। उसके बाद अगर आप अंडर 2000 में आना चाहते हैं तो 230 यानी कि 230 से 250 की रेंज में आपका जेई का स्कोर रहेगा, तो वो सेफ स्कोर रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपको अंडर 5000 के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, अंडर 5000 के बारे में, तो वहां पर जो है आपका 200 से 215 तक एक सेफ स्कोर रहेगा, एक रेंज रहेगा जहां पर आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर अंडर 10,000 की बात करी जाए तो यहां पर 175 से 190 का स्कोर जो है आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर बीच में 5-5 नंबर का गैप रह रहा है, तो वो गैप जो है थोड़ा सा एरर टाइप होता है, यानी कि वो दूसरी रेंज में भी लाई कर सकता है और इसमें भी लाई कर सकता है, तो उस चीज के लिए उसको छोड़ दिया गया, उस पर आप फोकस करने की जरूरत है नहीं। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, जो मेरी कैलकुलेटेड रेंज है, जो एक्चुअल रेंज होगी, उसकी 5-10 नंबर का जो है फर्क आने वाला है, ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप चिंता मत करिएगा, ये कैलकुलेटेड डेटा है प्रॉपरली। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर 15,000 की, तो यहां पर 165 से 180 आउट ऑफ 300 आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो याद, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडर 20,000 यानी कि आप 20,000 के अंदर रैंक लाना चाहते हो तो आपको 150 से 170 स्कोर करना है। हालांकि बच्चे समझते हैं अंडर 20,000 के लिए पता नहीं कितना हवा स्कोर करना पड़ेगा, बट सच्चाई यह है कि आप 150s 160s में भी स्कोर करते हैं तो आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं जेई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो मेन भीड़ होती है, जो मेन कॉम्पिटिशन होता है ना, वो जो दलदल होता है, वो होता है अंडर 20,000 में, यानी कि 15,000 से 40,000 की जो रैंक होती है ना, वो एक एक नंबर पर रैंक पलटती है, एक एक नंबर पर। तो वहां पर जो है मेन सिनेरियो रहता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भैया अंडर 20,000 के लिए आप मत जाओ, थोड़ा एक अच्छा स्कोर करो। देखो 160 तक आप पहुंच रहे हो, तो 20-30 या 20-25 नंबर बढ़ाकर आप लोग एक अच्छी रैंक सिक्योर करने में जाओ, वो आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। क्योंकि यहां जो है ना, यहां कॉम्पिटिशन बहुत होता है, 20,000 से 40,000 50,000 तक की रैंक में अंधा कंपटीशन होता है भाई, एक एक नंबर पर रैंक पलटती है, यूं एक एक नंबर पर। तो ये मैं आपके लिए कैलकुलेटिव डेटा लाया था, अगर आप 20,000 रैंक सिक्योर कर लेते हैं तो इंडिया की टॉप एनआईटीज में लाइक आपको ब्रांच तो मिल ही जाएगी, बट अगर आप टॉप 10,000 में आते हैं, अंडर 10,000 रहते हैं, तो एनआईटीज में, टॉप एनआईटीज में आपको टॉप ब्रांचेस मिल सकती हैं, लाइक सीएस, आईटी, ईसी, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारा आपका स्टैटिस्टिकल डेटा आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर आप बिल्कुल भी, यहां पर आप वो मीन मोड मीडियम मत लगाने लग जाइए, क्योंकि ये अलग टाइप का डेटा है, यानी कि इसमें कैलकुलेटेड डेटा है कि जिस हिसाब से परसेंटाइल और जिस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स अपीयर करेंगे जेई में, उन सभी चीजों को, उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ये डेटा कैलकुलेट करा है मैंने। तो आई होप सो ये आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो का एक भी सेक्शन आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना।
करना। मैं आपको स्पेस दे देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब आपका रिजल्ट आएगा तो इसी डेटा के बीच में आपका जो है रैंकिंग सिस्टम रहने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।